सिंह और आप देख रहे हैं यूएनए। बिहार इस वक्त बाढ़ के चपेटे में है और इस वक्त हर कोई अपने स्तर पे मदद कर रहा है। इसी क्रम में भोजपुरी के जुबली स्टार यानी निरहुआ जी भी अपने स्तर पे कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं, आइए स्वागत करते हैं। सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार, जो बाढ़ में इस वक्त त्राहिम त्राहिम मचा हुआ है वहाँ पे और सब कोई अपने स्तर पे कर रहा है, इस टाइम आप भी अनोखे तरीके से कुछ मदद कर रहे हैं, वो बताइए। नहीं बिल्कुल, एक तो बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही भयावह स्थिति है पटना की अभी, कि जिस तरह से पानी भर गया और लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं और बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम सब का कर्तव्य है कि आगे बढ़ के उनकी मदद करें और सब लोग कर भी रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि सब लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, करना चाहिए सबको। तो वैसे भी जब भी वहाँ पे कोई दिक्कत आती है वहाँ पे या कहीं पे भी, तो हम लोग अपने स्तर से जो भी हो पाता है वो करते रहते हैं। तो एक तो हमारी टीम जो वहाँ पे ऑलरेडी है बिहार में भी यूपी में भी, तो जो भी राहत सामग्री होती है ऐसे समय पे, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गया और माचिस, ऐसे समय पे ज़रूरत पड़ती है, मच्छर की जो अगरबत्ती हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें, तो ये तो वहाँ पे जो राहत सामग्री है वो तो बंटवाया जा रहा है। पर उसके अलावा हम लोग जो है, पूरी इंडस्ट्री इस बात को लेके बहुत गंभीर है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी मदद करें अपने पटना के लिए। तो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग मदद करें। कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, तो हम लोग एक अभी एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं पटना में नहीं, वो बॉम्बे में ही होगा। एक प्रोग्राम ऐसा करने वाले हैं जहाँ पे कि हम बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए, फंड रेजिंग के लिए एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें पूरी इंडस्ट्री जो है वो शामिल हो रही है। उसके अलावा पर्सनल स्तर पे हम लोगों ने अभी एक गाने की शुरुआत की है। कंपनी से ऐसा हम लोग बोले हैं कि जो आपका गाना है वो हम गाएंगे और जो भी पैसा आप जितना देना चाहें वो सारा पैसा जो है वो बाढ़ पीड़ितों के मदद में हम लोग देंगे। तो कंपनी वाले भी खुश हैं और वो लोग अपना गाना अभी हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो जो भी आपकी फीस होगी जी, जी वो आप डोनेट जी करें। बिल्कुल, वो बाढ़ राहत के लिए और उनके लिए हम उनके मदद के लिए भेजेंगे। तो इस तरह से लगभग जितने भी हमारे कंपनी वाले हैं सब लोग तैयार हो गए हैं, सब लोग अपना अपना गाना गवाने के लिए तैयार हैं और हम लोग गाने के लिए तैयार हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाना होगा हम गाएंगे और गा करके पर्सनल लेवल पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकते हैं वो हम मदद करेंगे। और बाकी राहत सामग्री तो वहाँ पे बंटवा ही जा रहा है, लोगों में पहुँचा। गाना बाढ़ से रिलेटेड है या फिर कुछ भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी को जो भी गाना गवाना है अपना अपने हिसाब से, उनको देवी गीत चाहिए, उनको छठ गीत चाहिए, उनको लोक गीत चाहिए, हम गाएंगे। आपको कितना गाना रिकॉर्ड करना है आप कीजिए, हम गाने के लिए तैयार हैं, हम गा रहे हैं। बस उसका पैसा जो है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, कहें तो सच में ये अनोखा पहल है। बिल्कुल सर, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट के बाद भी आपने इतना अच्छा पहल किया। आप चाहते तो डायरेक्ट डोनेट भी कर सकते थे लेकिन आपने एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया इसके लिए, सच में सर थैंक यू सो मच। नहीं, वो तो हम लोग करते ही रहते हैं और करते ही हैं, पर कर ही रहे हैं। पर ये एक और मुझे लगा कि एक अच्छा तरीका है कि जो हमारी कंपनी है वो भी इसमें हमारे साथ जुड़ रही है, हम लोग भी हैं और बाकी जो इंडस्ट्री के कलाकार हैं वो लोग भी इसमें पहल कर रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं।